रानीखेत में अपने निवास स्प्रिंगफील्ड पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण माहरा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर फ्री में चीजें बांटकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए करण माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जहां से चुनाव लड़ने की घोषणा की है वहां बीते दिन 8 घोषणाएं की हैं। ऐसी घोषणाएं करके पैसों को चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विकास सोच नहीं सिर्फ चुनाव है। उन्होंने कहा कि लोग बिजली और पानी के लिए परेशान हैं, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। करण माहरा ने कहा कि एक बार फिर जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताते हुए उनकी सरकार बनाई है, इसलिए उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जिलों का गठन करके लोगों की दिक्कतों में कमी लाने की कोशिश करे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा को 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन टूटी हुई सड़कें और मलबा जस का तस पड़ा हुआ है। टूरिस्ट का सीजन चल रहा है, लेकिन सड़कों के हालात देखकर टूरिस्ट भी आने से बच रहे हैं, जिसके चलते कोरोना काल में टूट चुके कारोबारियों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। सड़कें हमारी लाइफलाइन है। आप हल्द्वानी से अगर पहाड़ की ओर को आए, चाहे वो नैनीताल जाए, चाहे रानीखेत आए, चाहे कौसानी जाए, चाहे अल्मोड़ा जाए, रोड है आज से 9 महीने पहले आपदा में टूटी थी। जैसे जहाँ जो मलबा पड़ा था, जो पत्थर जहाँ पड़ा हुआ था, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट का सीजन है। हमारे होटलियर्स पहले ही कोरोना के टाइम में टूटे हैं, उनका बिजनेस नहीं चला है। आज इन सड़कों के हालात की वजह से भी टूरिस्ट आने से बच रहा है और बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। बहुत गंदा इंप्रेशन लेके टूरिस्ट यहाँ से जा रहे हैं, तो सरकार को इनमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। विद्युत कटौती जिस तरीके से कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, 10 करोड़ रुपए की प्रत्येक दिन खरीदने की बात करें, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अभी हाल ही में आपने करीब 20 दिन पहले विद्युत के जो है दाम बढ़ाए हैं, पानी के दाम बढ़ाए हैं, और ये जो आप बिजली प्रदान करेंगे तो उसका आप धन वसूलते हैं, फ्री में आप बिजली नहीं देते, तो ये बहाना करना ठीक नहीं है। आपको स्वीकार करना चाहिए, आपने राज्य की इकोनॉमी जो है वो फ्री चीज़ें बांटने में, सरकार अभी मैं देख रहा था कल भी उन्होंने जहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा की है वहाँ 8 घोषणाएँ कर दी, तो ये जो घोषणा करके और जो पैसे को चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसके पीछे विकास सोच नहीं है, केवल चुनाव सोच है, तो उसकी वजह से दिक्कतें आई हैं। तो बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। आज हमारे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम जिनके होने वाले हैं, वो सभी परेशान हैं। पानी की पंपिंग नहीं हो पा रही, जिससे प्रॉपर पानी लोगों को नहीं मिल रहा, तो इस ओर को सरकार का ध्यान आकृष्ट आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तात्कालिक माननीय अजय भट्ट जी, जो इस समय केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री हैं और हमारे टूरिज्म के मिनिस्टर हैं, वो लगातार पत्र लिखते थे, प्रत्येक दिन एक पत्र सरकार को राज्य बनाने के लिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, दोबारा यहाँ राज्य में जनता ने उनकी सरकार बना दी है और वो खुद केंद्र में मंत्री हैं, तो अब जिलों के गठन में मेरे को लगता नहीं कोई अड़चन आनी चाहिए। जल्दी से जल्दी जो जिले बनाए थे चारों, बल्कि उसके अलावा भी अगर एक दो बन सकते हैं अतिरिक्त, तो वो भी जिले बनने चाहिए, और जिलों का गठन करके लोगों की जो रोज़ की दिनचर्या, उसमें जो दिक्कतें हैं, उनको कमी लाने का काम बीजेपी ने करना चाहिए।